Welcome to the Indian Super League 2021 tactical video show. Today we will talk about how Mumbai City FC will set up under new head coach Sergio Lobera. In the 6th edition of ISL, Mumbai City FC have qualified for playoff only twice. Last season they missed the playoff berth, I think by some points under George Costa. Now after that, City Football Group ne Mumbai City FC ko majority shareholding unhone khareedi hai, and abhi tak wo complete takeover abhi tak hua nahi hai. I think documentation sari jo minute details hoti hain us pe kaam chal raha hai. Mumbai City FC ki sari press releases jitni aayi hain abhi is season abhi tak sabke niche ek cheez bahut common thi, usme likhi hui hai ki abhi jo takeover hai abhi complete nahi hua hai. उसी के प्रोसेस में उन्होंने सर्जियो लोबेरा को हायर किया, जिन्होंने लास्ट दो सीज़न गोवा में काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई, बट कुछ मेजर ट्रॉफी मतलब आईएसएल नहीं जीत पाए. सुपर कप उन्होंने जरूर जीता था, बट लीग ट्रॉफी उन्होंने नहीं जीत पाए थे. बट ओवरऑल फैंस को बहुत इम्प्रेस किया उन सर्जियो लोबेरा की प्लेइंग स्टाइल ने एफसी गोवा में, तो काफ़ी न्यूट्रल्स लोगों को पसंद आया. मुंबई सिटी एफसी ने उनको हायर किया है, एंड वो अब विद जो ट्रांसफर मार्केट में उन्हें धमाका, कई लोगों को लगा कि जिस तरह की उनकी एग्रेसिव अप्रोच थी ट्रांसफर मार्केट में, उन्हें ओगबेचे साइन किया है, एडम ने फोंड्रे लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है लास्ट दो सीजन से वहाँ पे. ऑफ कोर्स उन्होंने फिर गोवा से मंदाराव देसाई, मुटाडा फॉल, एम एच जहू, होगोमो, जिनको उन्होंने 1.6 करोड़ रुपीज़ की ट्रांसफ़र फ़ी दे के ख़रीदा है. तो काफ़ी लोगों को लगा कि उनकी ट्रांसफ़र विंडो बहुत परफेक्ट है, बट आप डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी आई थिंक बैलेंस की कमी है इनकी स्क्वाड के अंदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे हम टेक्टिकल सेटअप में कि किस तरह वो उनको मैनेज करना पड़ेगा कि जो उनकी बैलेंस नहीं है स्क्वाड में, स्पेशली उनके इंडियन प्लेयर्स कुछ डिपार्टमेंट्स में क्वालिटी नहीं है. मिडफील्ड में अच्छी क्वालिटी है, अटैक में अच्छी क्वालिटी, बट डिफेंस में आई थिंक सेंटर बैक्स इनके पास कमी है, फॉरेन सेंटर बैक भी उनके पास एक है. तो उसके भी डिटेल स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में हम बात करेंगे. आप उनके रोस्टर को देखेंगे तो उन्होंने एक अच्छी स्टार स्टडेड स्क्वाड इकट्ठी करी है. फॉल, मंदाराव देसाई, एम एस जहू, हुगुमो जो गोवा से लेके आए हैं, उसके अलावा ओगबेचे जो उन्होंने केरला ब्लास्टर्स लेके आए, एडम ले फोंड्रे जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जिन्होंने दो सीजन अच्छा परफॉर्म किया था ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा यंग प्लेयर्स उन्होंने फारूक चौधरी को साइन किया है, विक्रम प्रताप सिंह आए हैं एरोस से, वो भी काफ़ी अपकमिंग स्टार में देखे जा रहे हैं इंडियन प्लेयर्स में, और ऑल्सो उनके जो ऑलरेडी कोर था इंडियन प्लेयर्स का उन्होंने उसे रिटेन किया है. उसके अलावा दो फॉरेनर्स जो उन्होंने साइन किए हैं वो थोड़ी सी मुझे साइनिंग अच्छी नहीं लगी, जो संताना है और जो उनके एशियन प्लेयर है सी वाई गुडार्ड, उनका ओवरऑल प्रोफाइल इस टीम में मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है. अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखेंगे, बहुत सारे सेंटर मिडफील्ड हैं इनके पास, एम एस जहू है इनके पास, रॉलिन बॉर्जेस वन ऑफ द बेस्ट इंडियन सेंटर मिडफील्डर, उसके अलावा रेनी फर्नांडीज है, विद्यानंदा सिंह है, उस बीच में आप संताना को भी ले आए हैं, आप सेंटर बैक फॉरन आप नहीं लेके आए हैं जो आपको चाहिए हो सकता है, बिकॉज आपका सेंटर बैक की पोजिशन में डेप्थ नहीं है. सी वाई गुडार्ड का भी प्रोफाइल आप देखेंगे तो उन्होंने 3-4 साल में आई थिंक 20 से 22 मैच खेले हैं और सिर्फ एक असिस्ट है, कोई गोल नहीं, कुछ ज़्यादा खास चांसेस क्रिएट नहीं किए हैं, कुछ ज़्यादा खास लेवल पर खेले नहीं है. तो वो एक फ्लॉप ऑफ द साइनिंग भी हो सकता है सीजन की, बट सबको सरप्राइज भी कर सकता है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं, आपने कभी खेलते हुए देखा नहीं, वो सरप्राइज कर सकता है. बट उसको भी मैंने थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च स्काउटिंग करके देखा है कि कैसे उनको ये इन्वॉल्व कर सकते हैं. उसके अलावा इन्होंने दो इंडियन फॉरवर्ड्स अच्छे इनके पास आ गए हैं, फारूक चौधरी एंड विक्रम प्रताप सिंह, विपिन सिंह के पास ऑलरेडी थे, रेनी फर्नांडीज एक अच्छे इंडियन प्लेयर्स, अगेन अनदर सेंटर मिडफील्डर इनके पास है. तो उस बीच में आप दो फॉरेन सेंटर मिडफील्डर लेके आते हैं, आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस वहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं है. एक फॉरेन सेंटर बैक ला सकते थे जिससे आपको डेप्थ मिल सकती थी सेंटर बैक डिपार्टमेंट पे, फिर आपके सार्थक गुलाई आपके थर्ड चॉइस सेंटर बैक होते. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बैलेंस की कमी है. उसके अलावा जब इन्होंने जो पुरानी स्क्वाड है लास्ट सीजन से, इन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को रिलीज़ भी किया है. पालो मचाडो गए हैं, मोहम्मद सोगू गए हैं, उसके अलावा प्रतीक चौधरी जिन्होंने बेंगलुरु एफसी ज्वाइन किया है यहाँ से, सुभाषिश बोस एक मेगा डील में एटीके गए जिनको काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला. उसके अलावा ओवरऑल आई थिंक अमिंदर सिंह अच्छे क्वालिटी इंडियन गोलकीपर, रॉलिन बॉर्जेस बहुत ही अच्छे एक इंडियन मिडफील्डर हैं, एंड अब देखते हैं इनके टॉप 3 फॉरनर्स जो मेरे अकॉर्डिंग इनके लिए होने वाले हैं आने वाले सीजन में. नंबर 1 मेरी लिस्ट में है होगोमो, जिनको मुंबई सिटी एफसी ने 1.6 करोड़ ट्रांसफर फी दे के एफसी गोवा से खरीदा है. आईएसएल 2019-20 के गोल्डन बॉल विनर, क्या परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने लास्ट सीजन. आई थिंक ओवरऑल आप देखेंगे, ऑफकोर्स साइनिंग ऑफ दी
सीजन है अगर आप कंपेयर करोगे द इम्पैक्ट उनका लास्ट सीजन में आईएसएल में और जिस तरह सर्जियो लोबेरा गोवा से बॉम्बे आए उनको वो प्लेयर चाहिए था बट हुम के पास एनएफसी गोवा की मल्टी ईयर डील थी तो दे नीड टू ब्रेक दी बैंक. उन्होंने बैंक ब्रेक किया. उनके नंबर्स दिखाते हैं कि क्यों इतने हाईली रेटेड हैं गोवा के लिए. पिछले सीजन के स्टैट्स देखेंगे तो बताते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट और कितने बड़े प्लेयर हैं. उन्होंने 15 मैचेस खेले हैं लास्ट सीजन. उसमें उन्होंने 11 गोल्स 10 असिस्ट 21 गोल्स एंड असिस्ट इन जस्ट 15 मैचेस. उसके अलावा उन्होंने 25 चांसेस क्रिएट किए हैं. इनके एक्सपेक्टेड गोल्स हैं जस्ट 7 गोल्स. अगेन ये जो एक्सपेक्टेड गोल्स का मैंने एक स्टैट ऐड किया है जस्ट टू टेल यू कि कौन सा प्लेयर कैसा फिनिशर है. एंड हुगुम भी एक बहुत अच्छे फिनिशर हैं. एंड उसके अलावा उन्होंने 675 पासिस अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 81% सक्सेस है. थोड़ी सक्सेसफुल परसेंटेज कम है बिकॉज एक रिस्क टेकिंग प्लेयर हैं. वो अपनी टीम के लिए चांसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क लेते हैं. थोड़ी परसेंटेज डाउन है. सेकेंड मेरी लिस्ट में है उनके मेन सेंटर फॉरवर्ड एडम लेफोंड्रे. इनके बारे में आप सबको मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ पता होगा. लास्ट दो सीजन में जब से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया गए हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है. इनके ओवरऑल नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. जो आप टोटल नंबर्स की बात करेंगे आगे जाके इनका आई थिंक जिस तरह ये मार्की साइनिंग हो सकती है. अगर आप जस्ट मैं ये नॉट अ वर्ल्ड कप और नॉट लाइक जो बड़ी टीम के लिए खेला बट ओवरऑल जो उनका प्रोफाइल है और जिस तरह की सक्सेस इन्होंने ए लीग में मिली है उनको मुझे लगता है कि अगर वो सेम सक्सेस इंडिया में अगर रेप्लिकेट कर पाएँ जैसे रॉय कृष्णा डेविड विलियम्स ने की है आई थिंक फैन फेवरेट बन सकते हैं. अगर आप उनके नंबर्स की बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2018-19 सीजन जब से ऑस्ट्रेलिया मूव किए हैं उन्होंने 67 मैचेस खेले हैं जो बताता है कि फिट हमेशा रहते हैं. अगर इनकी ओवरऑल बाकी स्ट्राइकर्स के कंपेरिजन में काफ़ी मैचेस मिस करते हैं इंजरीज की जिस तरह की इनकी एज है 67 मैचेस में उन्होंने 42 गोल्स मारे हैं 4 असिस्ट एंड जो इनका एक्सपेक्टेड गोल्स है वो अगेन 36 गोल्स है मुझे 6 गोल लेस देन इज एक्चुअल गोल. अगेन ये भी एक अच्छे फिनिशर हैं जाने जाते हैं अपनी फिनिशिंग एबिलिटी के लिए. थ्रू आउट दी ई लीग की फैंस में काफ़ी लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया. एंड जस्ट लाइक कोरो एट एफसी गोवा लोबेरा विल होप दैट एडम लेफोंड्रे विल प्रोवाइड दोज मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स फॉर मुंबई सिटी एफसी फॉर दिस सीजन एंड अपकमिंग सीजन. उसके अलावा असिस्ट का नंबर थोड़ा कम है 4 असिस्ट इनको मिले हैं बट अगर आप इनके एक्सपेक्टेड असिस्ट देखेंगे तो 12 असिस्ट है. तो इसका मतलब है कि इनके 12 असिस्ट होने चाहिए थे बट इनके टीम मेट ने वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाए मूव को गोल स्कोर नहीं कर पाए पर इनके एक्सपेक्टेड असिस्ट 12 होने चाहिए थे. तो ये है मेरी लिस्ट में सेकंड. आई थिंक एडम लेफोंड्रे की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मुंबई सिटी एफसी की ओवरऑल सक्सेस के लिए. उनके पास उगबेचे का ऑप्शन है जो आई थिंक इनके इन एंड अराउंड खेल भी सकते हैं या बेंच से आके इनको सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव टू गुड फॉरन स्ट्राइकर. सो उस हिसाब से उनकी टीम को बैलेंस आउट करना होगा. थर्ड मेरी लिस्ट में है आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर मोटाडा फॉल अटैकिंग सेंटर बैक आई शुड से. बट 2 साल से एफसी गोवा में खेल रहे हैं बट जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने एफसी गोवा के लिए दी है आई थिंक एक हर कोई बात करता है फुटबॉल में लोग सबके फेवरेट प्लेयर फॉरवर्ड्स होते हैं. अच्छा वर्ल्ड वाइड देख लीजिए पेले मैराडोना रोनाल्डो मेसी. डिफेंडर्स की भी उतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है बट अगर कोई डिफेंडर जैसे मोटाडा फॉल हैं फॉर एग्जाम्पल सर्जियो रामस रियल मैड्रिड में वो डिफेंडर तो हैं पर वो गोल्स भी मारते हैं. सेम मोटाडा फॉल के लिए हैं. उन्होंने गोवा के लिए लास्ट 2 सीजन में 43 गेम्स खेले हैं 9 गोल्स एंड 3 असिस्ट. एंड वो 9 गोल्स जो उनके हैं उसके एक्सपेक्टेड गोल हैं जस्ट 3.8. तो बहुत अच्छी हेडिंग एबिलिटी इनके पास है. सेट पीस से आपको डिफरेंट थ्रेट होता है तो सामने वाली टीम को हमेशा एक टेंशन रहेगी कि वो कॉर्नर ना दें फ्री किक ना दें. नहीं तो मोटाडा फॉल पीछे से आके गोल मारने के लिए तैयार खड़े हैं. वो आएंगे और वो गोल मार सकते हैं. हमने देखा है लास्ट 2 सीजन में 9 गोल 3 असिस्ट. टॉकिंग अबाउट अदर एटीट्यूड एज अ डिफेंडर काफ़ी अच्छी पासिंग कंप्लीशन रेशियो इनका 89%. इन्होंने 2194 पासेज अटैम्प्ट किए हैं 43 गेम्स में 400 बॉल रिकवरीज 574 चैलेंजेस इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं 70% एक्यूरेसी है मतलब सक्सेसफुल चैलेंजेस हैं जो काफ़ी हाई है. अगर मैंने जो बाकी डिफेंडर्स कंपेयर किए हैं अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं मैंने एटीके केरला के कंपैरिजन में. उसके अलावा टैकल्स 104 टैकल्स इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं 76%
तो जो ये दो एक्यूरेसी है इनकी चैलेंजेस और टैकल्स में बहुत ही अच्छी है. आई थिंक ISL में इनको वो ये नंबर्स इनको बेस्ट डिफेंडर बनाते हैं. जस्ट ऑन डिफेंसिंग एबिलिटी हम गोल स्कोरिंग की एबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा 303 इंटरसेप्शन उन्होंने किए हैं. अगर आपको थोड़े से नंबर कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ. बात करते हैं एवरेज पर 90 वो क्या करते हैं. पर 90 मिनट्स वो 48 पासिस अटेम्प्ट करते हैं, 9 बॉल रिकवरीज करते हैं, 13 चैलेंजेस वो करते हैं, 2.3 टैकल्स करते हैं और 7 इंटरसेप्शन करते हैं. जो बताते हैं कि आपकी टीम में अगर फॉल जैसा डिफेंडर पीछे होगा आई थिंक मिडफील्ड प्लेयर अटैकिंग प्लेयर को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी अगर वो काउंटर अटैक में काउंटर अटैक होता है आपके ऊपर, क्योंकि फॉल पे एबिलिटी है वो एक टैकल करने का, लास्ट डिस्ट टैकल करने का, इंटरसेप्ट करने का एंड टू स्टॉप द काउंटर अटैक. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं. इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो उगबेचे उनके पास उन्होंने साइन किया है FC गोवा से, उनके बारे में एक ऑनरी मेंशन जरूरी है. वो भी उनकी काफ़ी बड़ी साइनिंग है एंड उनके नंबर्स आप देखेंगे उगबेचे के नंबर्स अगर आप ओवरऑल पिछले सीज़न उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था केरला ब्लास्टर के लिए, बट उससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है. तो उगबेचे की भी एक इंपॉर्टेंट साइनिंग है बट वो मेरे टॉप 3 लिस्ट में मेरे लिए फिट नहीं बैठे. मुझे लगा फॉल एंड हुगुमो एंड एडम ली फाउंडर की परफॉर्मेंस और ओवरऑल प्रोफाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उगबेचे के लिए बात करना भी जरूरी है. उन्होंने पिछले 34 ISL गेम्स में उन्होंने 27 गोल्स किए हैं, 4 असिस्ट है उनके पास एंड अगेन ये भी एक ब्रिलियंट फिनिशर है. इनका एक्सपेक्टेड गोल 22 गोल्स है जो अगेन दिखाता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उगबेचे के रूप में. अगर उनको चेंजेस करने हैं या एडम लिफेंटर को रेस्ट करना है या दोनों को साथ खिलाना है वो हम जरूर देखेंगे कि दोनों साथ में किस सेटअप में खेल सकते हैं जहाँ अपने टैक्टिकल बोर्ड की तरफ चलेंगे. अब बात करते हैं उनके टॉप 3 इंडियन प्लेयर्स के बारे में. आई थिंक यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए. मेरा पहला पिक है रॉलिन बॉर्जेस, स्टीफन कॉन्स्टेंट की फाइंड हम उन्हें कह सकते हैं. कैसे उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब डी गोवा से फास्ट ट्रैक करके उनको ISL नेशनल टीम में लेकर आया, उसके बाद से आप जितना उनके बारे में बात करेंगे उतना कम है. बहुत ही क्वालिटी इंडियन मिडफील्डर हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग हैं, पासिंग एक्यूरेसी वाइज भी अच्छे, गोल भी मारते हैं, असिस्ट भी देते हैं. तो उन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं. वो एबिलिटी देते हैं उनके होने की वजह से आप एक एक्स्ट्रा अटैकिंग फॉरेन प्लेयर भी खिला सकते हैं वो जो उनके पास उगबेचे हो सकता है या CY गुडार्ड हो सकते हैं. तो ओवरऑल बात करेंगे 2018-19 से क्लब एंड कंट्री के लिए रॉलिन बॉर्जेस ने 53 गेम्स खेले हैं एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर. उन्होंने 7 गोल्स, 4 असिस्ट उनके पास हैं. ऑल्सो उन्होंने 19 चांसेस क्रिएट किए हैं. उनका भी एक्सपेक्टेड गोल 5.2 है. एक और प्लेयर जो अच्छे फिनिशेस कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट पासिंग एबिलिटी, 85% का पासिंग सक्सेसफुल परसेंटेज है. जब इन्होंने 2066 पासेस अटेम्प्ट किए हैं इन 53 गेम्स. ऑल्सो काफ़ी अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं. 285 बॉल रिकवरीज इनकी हैं, 180 टैकल्स हैं एंड 230 इंटरसेप्शन है. तो ओवरऑल एक परफेक्ट प्रोफाइल, एक परफेक्ट प्लेयर है सर्जियो लोबेरा के पास सेंटर मिडफील्ड में पेयरिंग करने के लिए MHU के साथ. आई थिंक ये डबल पिवट सिस्टम में काफ़ी फिट बैठेंगे बिकॉज रॉलिन बॉर्जेस थोड़ा अटैक करना भी पसंद करते हैं, तो जहू आराम से आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उस डबल पिवट सिस्टम में. मेरी लिस्ट में सेकंड प्लेयर है बंदाराव देसाई. आई थिंक नेचुरल लीडर हैं बंदाराव देसाई, गोवा के कैप्टन रह चुके हैं. उन्होंने फॉलो किया सर्जियो लोबेरा को और वह आए हैं मुंबई सिटी FC में. एक फॉर्मर विंगर, काफ़ी अटैकिंग विंगर हुआ करते थे पहले के जीको के अंदर. उन्होंने बहुत अच्छा खेला था गोवा में, रोमियो एंड मंदार का डुओ सब लोगों को याद रहता है. एंड बट लोबेरा ने उनको एक लेफ्ट बैक में कन्वर्ट कर लिया है, अब लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग बैक बोलें. एंड काफ़ी स्टेबल है डिफेंसिवली एंड अटैकिंग बोथ सेंसेज में. काफ़ी अच्छे रन, स्पीड, पेस, ड्रिबलिंग एबिलिटी उनके पास है. आई थिंक मंदाराव देसाई नीड टू एड दैट इन दैट क्रॉसिंग एबिलिटी ऑन हिज आर्सेनल. आई थिंक ही नीड टू क्रॉस मोर अगर स्पेशली उगबेचे एंड एडम ली फाउंडर दोनों खेलते हैं साथ में. तो अगर दो टारगेट मैन आपके पास बॉक्स के अंदर हैं तो आई थिंक बंदारो देसाई को वो क्रॉसिंग एबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी अपनी गेम के अंदर अगर उन्हें और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करना है फाइनल थर्ड में. थर्ड प्लेयर मेरी लिस्ट में है अमरिंदर सिंह. आई थिंक वो मुंबई सिटी FC को कैप्टन कर चुके हैं, काफ़ी नेचुरल लीडर हैं उनकी टीम के अंदर एंड वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन इंडिया गुरप्रीत सिंह संधू के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है. एंड वो रेगुलरली मुंबई सिटी FC के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. उनके नंबर्स, आप उनके सेव्स परसेंटेज वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर ऑल अदर गोल कीपर्स इन दी लीग. तो अमरिंदर सिंह
रॉलिन बोर्जेस, मंदार देसाई मेरे टॉप थ्री इंडियन प्लेयर्स होंगे मुंबई सिटी एफसी के लिए आने वाले सीजन में। अब बात करते हैं सर्जियो लोबेरा के टैक्टिकल सेटअप के आने वाले सीजन में मुंबई सिटी एफसी के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में आपको बोला था कि उनकी ट्रांसफर बिजनेस काफ़ी सॉलिड, काफ़ी एग्रेसिव लगती है, बट आप डिटेल्स में जाएंगे थोड़ा सा अनबैलेंस है। ये मेरी ओपिनियन है, आप मे बी एग्री नहीं करेंगे इस मेरे से, बट अगर आप मुझे सुन लीजिए एक बार पूरा डिटेल में, आप एक बार सुनिए। सेंटर बैक में उनके पास डेप्थ नहीं है। लोबेरा का एक बड़ा कॉमन सेटअप है जो उन्होंने एफसी गोवा में बहुत यूज़ किया, 4-2-3-1, एंड कई बार उन्होंने 4-4-2 यूज़ किया, बट आई थिंक 4-2-3-1 इज़ गो टू फॉर्मेशन। बट उनके पास प्लेयर्स नहीं है 4-2-3-1 खेलने के लिए एट मुंबई सिटी एफसी अभी राइट नाउ। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो इंडियन प्लेयर्स की उनको जो प्रोफाइल चाहिए वो है नहीं, तो मैंने किसी तरह फिट किए हैं, मुझे लगता है ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। एंड प्लस मैंने इसी सिस्टम में एक अल्टरनेटिव भी आपको दिया है, इसमें गोल में कोई मतलब कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अमरिंदर सिंह स्टार्ट करेंगे, पूर्वा उनको कॉम्पिटिशन देंगे सेकेंड चॉइस, सार्थक गुलाई, मुटाडा फॉल आपने आपको नेचुरली पिक करते हैं टू सेंटर बैक, आई थिंक मोहम्मद राकिब खेलेंगे राइट बैक एंड मंदाराव देसाई एज अ लेफ्ट बैक। यहाँ पे थोड़ा सा मिडफील्ड में उन पर इतने ऑप्शंस हैं, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं, वो कैसे उनको मैनेज करेंगे। आई थिंक हमने देखा है सर्जियो लोबेरा को एक फॉरेन प्लेयर कम खेलते हुए, वो ज़्यादा इंडियन प्लेयर से खेलते हुए, वो शायद हम दोबारा देखें इन मुंबई सिटी एफ सी। एमएजू नेचुरल पिक है मिडफील्ड में, रॉलिन बॉजेस भी नेचुरल पिक हैं, वो जिस तरह के प्लेयर आप उनको नहीं ड्रॉप कर सकते हो। नंबर 10 आप हुमो है, यहाँ पे थोड़ा जहाँ उनकी डेप्थ की थोड़ी सी कमी है, नेचुरल विंगर्स नहीं है उनके पास मुंबई सिटी एफ सी में। फारूक चौधरी फॉरवर्ड है, विंग पे खेल लेते हैं राइट विंग पे, आई थिंक वो राइट विंग पे मैंने उनको रखा है। एंड बिपिन सिंह जो लास्ट मुंबई सिटी के लिए खेले हैं लेफ्ट विंग पे मैंने उनको रखा है, एंड आगे मैंने लिफॉन्ड्रे को रखा है। अब थोड़ी सी दिक्कत की हो रही है, तो जैसे आप सेटअप देखेंगे एफ सी गोवा में उनका था ब्रेंडन फर्नांडिस एज अ वाइड प्ले मेकर खेलते थे, हुगुम वो सेंटर प्ले मेकर खेलते थे, राइट पे जैकी चंद सिंह यूजली खेलते थे, तो जैकी चंद सिंह वो विर्थ प्रोवाइड करते थे उनको, साथ में सैरिटन फर्नांडिस एंड मंदाराव देसाई विर्थ प्रोवाइड करते थे। वो होप करेंगे कि मोहम्मद राकिब वही काम करें, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ये थोड़ी अनबैलेंस इसलिए है कि आपका एक फॉरेनर आप कैसे फिट करोगे इसमें, एक फॉरेनर कम खेल रहे हो, इतना पैसा स्पेंड करने का, तो आप मुंबई सिटी एफ सी की मैनेजमेंट तो यही होप करेगी आप सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करें। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन के पास ये है, एंड इस ऑप्शन में आप मूवमेंट आप देखेंगे बड़ी सिंपल 4-2-3-1 की नेचुरल मूवमेंट है, आपके दोनों फुल बैक मोहम्मद राकिब और मंदाराव देसाई आपको विड्थ प्रोवाइड करेंगे, एंड एम एस हु के पास बॉल होगी तो हुगुमो को फाइंड करेंगे, एंड देन हुगुमो विद दिस प्ले मेकिंग एबिलिटी ही विल ट्राई टू फाइंड सम लाइक मंदाराव देसाई, बिपिन सिंह जो बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड बॉक्सेस पर रहेंगे, फारूक चौधरी को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको राइट हैंड साइड से एडम ली फॉन्ड्रे को सपोर्ट देना पड़ेगा बॉक्स के अंदर जाके, एंड देन दोनों जो हमारे वाइड फुल बैक्स हैं मंदाराव देसाई एंड मोहम्मद राकिब उनको विड्थ मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक सिस्टम है ये है, बट अगर आप मुझे पूछे अगर मैं कोच हूँ तो मैं इससे हैप्पी नहीं हूँगा, कि ओवरऑल बैलेंस थोड़ा सा लैकिंग है इस सिस्टम, इस प्लेइंग 11 में, और उसको थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं काफ़ी लोगों को। जैसे मैंने बात सीवाई गुडार्ड की मैंने बात की थी, उन्होंने मेजॉरिटी अपना करियर एज अ राइट मिडफील्डर खेला है, उनका ज़्यादा बड़ा करियर है नहीं, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं हैं, पर जितने भी उन्होंने मैचेस मैंने उनके देखे हैं अभी तक वो राइट विंग पे उन्होंने खेले हैं। तो मैंने एक और सेटअप तैयार किया है विच माइट सरप्राइज समबडी, बट ये और अटैकिंग हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस वन। बिपिन सिंह एक विंगर है तो वो इतने अटैकिंग माइंडेड नहीं है, जितने अटैकिंग माइंडेड आपके विक्रम प्रताप सिंह हैं, एंड सी वाई गुडार्ड को आप खिला सकते हो राइट विंग पे, तो आपके 5 फॉरनर्स भी हो जाते हैं। आई नो हम एज ए इंडियंस हम तो यही होप करते ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स खेलें, बट अगर आपके ऑप्शन है तो आपको उसको यूज़ क्यों ना करें। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी वो था जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड ऑप्शन ये हो जाता है, इस ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा विक्रम प्रताप सिंह का एंड सी वी वाई गुडार्ड का। इन दोनों के मूवमेंट पे आप ध्यान रखिए कि किस तरह ये मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन एंड अराउंड बॉक्स एंड सपोर्ट कर सकते हैं एडम ली फॉन्ड्रे को। सेम सेटअप है आप, बट इसमें विक्रम प्रताप सिंह को इन एंड आउट बॉक्स में खेलना पड़ेगा एडम ली फॉन्ड्रे के साथ सेकेंडरी स्ट्राइकर, एंड सेम सीवियर गुडार्ड को भी। अगेन कोई और बेटर फॉरेनर क्या पता साइन कर सकते थे, मे बी सर्जियो लोबेरा ने उनमें कुछ देखा है या सिटी ग्रुप ने उनमें कुछ देखा है कि वो इंडिया में अच्छा करें जो उन्होंने अब तक नहीं कर पाए हैं स्पेन या इंग्लैंड में, बिकॉज ओवरऑल उनके नंबर्स उनके पूरे करियर में एक असिस्ट है, कोई गोल्स नहीं है, एंड ज़्यादा मिनट्स उन्होंने खेले भी नहीं है, बट
यंग प्लेयर हैं तो एबिलिटीज होंगी उनके पास, क्योंकि इंग्लैंड में टॉटनम की अकेडमी में से वो निकल के आए हैं, तो ऐसा नहीं है बिना एबिलिटीज के निकल के आए हैं, तो वही मुझे लगता है सरप्राइजिंग पैकेज भी हो सकता है, वो एक फ्लॉप भी हो सकती है सीजन के फ्लॉप साइनिंग ऑफ द सीजन, पर एक सरप्राइज पैकेज भी हो सकता है जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्या पता मुंबई सिटी एफ सी के मैनेजमेंट ने एंड सर्जियो लोबेरा ने कुछ अच्छी स्काउटिंग उन्होंने किया, उनको कुछ पता हो उनके बारे में जो बाकी लोगों को नहीं पता है, तो वो इस सेटअप को भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा अटैकिंग सेटअप है, आई थिंक ये मोर एंड मोर 4-3-3 कह सकते हो आप इसको, इसमें हुगो मोगो थोड़ा सा अंदर टक इन करना पड़ेगा, विक्रम प्रताप सिंह एंड सी वी गुडार्ट अटैकिंग थ्रेट आपको एज अ नेचुरल फॉरवर्ड दे सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड विद एडम लीफॉन्ड्री एज अ सेंट्रल फोकस पॉइंट ऑफ दिस फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि वो एक और फॉर्मेशन जो ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने ज़्यादा खेली नहीं है अपने टाइम पे, वो है 4-4-2। अब इस फॉर्मेशन में क्यों काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि 4-4-2 मुंबई सिटी एफ सी खेल सकती है, डायमंड में बोल रहा हूँ, फ्लैट 4-4-2 नहीं, जो हमने देखा केरला ब्लास्टर के वीडियो में, हमने एक आई थिंक हमने 4-4-2 फ्लैट यूज़ की थी वहाँ पे, यहाँ पे डायमंड यूज़ की है। इस पे दो रीजंस हैं, एक तो उगवेचे जैसा फॉरवर्ड है उनके पास, आप उनको बेंच पे नहीं रखना चाहेंगे, आई थिंक जिस तरह के जितने गोल्स उन्होंने लास्ट दो सीजन में मारे हैं आईएसएल में, उनको यूटिलाइज करना चाहेंगे। एंड दूसरी चीज़ आपका एक और सेंटर मिडफील्डर डिफेंसिव मिडफील्डर है रैनियर फर्नांडिस, बट लोबेरा की हिस्ट्री को देखते हुए अभी तक उन्होंने ये फॉर्मेशन इतनी यूज़ करी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन है, हमने देखा है कि पहले 10 साल पहले फुटबॉल होती थी 4-4-2 बहुत कॉमन फॉर्मेशन होती थी, डायमंड या फ्लैट, आजकल फुटबॉल चेंज हो चुकी है, बट जिस तरह के पर्सनल लोबेरा के पास आई थिंक वो यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मेशन में। इस फॉर्मेशन में दिक्कत की बात सिर्फ विड्थ की हो जाती है, क्या आपके फुल बैक्स को डिफेंड एंड अटैक अकेले करना पड़ता है मोस्टली, क्योंकि सपोर्ट नहीं होता विंगर का, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो डायमंड बन रहा है एंड बंदारा देसाई मोहम्मद राकिब को जो मूवमेंट उन्होंने करनी है विंग पे ये, एंड इसमें आपका मेन पॉइंट आपको सारा मेजॉरिटी आपकी फुटबॉल मिडल से ही होगी, एंड अगर विंग पे बॉल जाती है तो वो क्रॉसेस उनको ज़्यादा डालना पड़ेगा, वहाँ पे आपका 1-2-1-2 पासिंग करने का ऑप्शन कम रहेगा, बिकॉज रॉलिन बॉर्जेस तीनों ही मिडफील्ड के प्लेयर हैं, हुगो मो नंबर 10 है, बट देन आप इस आगे उगबेचे एंड एडम लीफॉन्ड्री हैं जो एक नेचुरल गोल स्कोरर है, तो उनको आप अगर आप पूरे मैच में 2 या 3 चांसेस भी बना के देते हो, आई थिंक वो एक गोल तो आपको दे ही देंगे कम से कम, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुगो मो के अराउंड होगी, बाकी टीम को अपनी शेप मेंटेन करके डिफेंड करना पड़ेगा एंड चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। बट ये फॉर्मेशन पेपर में बड़ी सिंपल लगती है, बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, स्पेशली अगर कोई टीम 4-3-3 खेल रही हो, इवन 4-2-3-1 खेल रही हो, बिकॉज वहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि आपका फुल बैक 2 versus 1 इवन वाइल अटैकिंग ऑल्सो इवन डिफेंडिंग ऑल्सो, तो वहाँ पे दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं, इसी फॉर्मेशन में मैंने एक सेटअप और क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं कि जब वो डिफेंड करेंगे स्पेशली जब वो काउंटर अटैक पे हो, आप देखिए डायमंड आपके सामने है, एक सेम सेटअप है, सेम मूवमेंट है, आपके जो प्लेयर्स आगे जाएंगे अगर अटैक में तो फुल बैक को अटैक करना ही पड़ेगा बिकॉज उनको विड्थ प्रोवाइड करनी है, बट अगर वहीं से काउंटर अटैक होती है तो जो बैकवर्ड मूवमेंट होगी आपके रॉलिन बॉर्जेस एंड रैनी को स्ट्रेच करना पड़ेगा, एंड उसके वजह से आपका मिडफील्ड डोमिनेट हो सकता है बिकॉज अहमद जहू एंड हुगो मो अकेले वहां पे होंगे, प्लस मोहम्मद राकेब एंड मंदारा देसाई काफ़ी बार आउट ऑफ पोजीशन पकड़े जाएंगे, तो उसके वजह से जो एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं उनके पीछे वो एक खतरे की घंटी बन सकती है बॉम्बे के लिए, प्लस उगबेचे एडम लीफॉन्ड्री साहब उम्मीद नहीं करेंगे कि वो डिफेंसिव प्ले में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, अपना रोल प्ले करेंगे, बट उनका इसी फॉर्मेशन में आई थिंक वो भी क्योंकि स्ट्रेच नहीं कर सकते उनको आपको आगे छोड़ना पड़ेगा ताकि काउंटर अटैक में आप उन दोनों को उगबेचे पास स्पेस अच्छी है, एडम लीफॉन्ड्री के पास भी अच्छी स्पेस है को यूज़ कर सकें, तो थोड़ा सा टेंशन की बात यही है कि डिफेंस करते हुए अगर रॉलिन बॉर्जेस वो स्पेसिस कवर कर पाएँ मिडफील्ड में, स्पेशली काउंटर अटैक में फुल बैक की जो खाली स्पेसेस हैं, तो वो थोड़ा सा अगर इस सिस्टम में सिर्फ कोई कमी नहीं है, इस सिस्टम में आपको जो टीम है उसको ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, ज़्यादा मैच प्रैक्टिस चाहिए, सो दैट उनको पता हो
कि कब उनको क्या करना है, कब उनको उनको बेसिकली स्ट्रेच एज अ सेंटर मिडफील्डर अपने फुलबैक को कवर करना है, कब नहीं करना है। तो ये एक थोड़ा सा उनको जितना प्रैक्टिस वो लोग करेंगे उतना उनके लिए सही रहेगा। एंड इसके अलावा ओवरऑल इनके पास ऑप्शन और भी हैं, 4-3-3 फॉर्मेशन ये लोग खेल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 4-2-3-1 फॉर्मेशन एंड मे बी सम गेम्स में 4-4-2 फॉर्मेशन ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में, इनकी क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह के सेटअप सर्जियो लोबेरा यूज़ कर सकते हैं इस मुंबई सिटी एफ सी के स्क्वाड के साथ। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफकोर्स पहली स्ट्रेंथ भी सर्जियो लोबेरा है, सेकेंड स्ट्रेंथ जो सर्जियो लोबेरा सब फॉरन प्लेयर्स लेके आए हैं, प्रूवन ISL प्रूवन है, हुगुमो मटाडा फॉल मंदारा देसाई को साथ में लेके आए, उसके अलावा एडम ली फाउंड्री की साइनिंग, उगबेचे की साइनिंग ऑलरेडी ISL प्रूवन है। तो ये स्ट्रेंथ है इनकी। ऑफकोर्स मिडफील्ड में काफ़ी स्ट्रेंथ है, रॉलिन बॉर्जेस, रैनी फर्नांडिस, विद्या नंदा सिंह, अटैकिंग प्लेयर्स भी इनके पास अच्छे हैं, इंडियन प्लेयर्स फारूक चौधरी, विक्रम प्रताप सिंह, बिपिन सिंह। सो ओवरऑल आप देखोगे तो ये थोड़ा बैलेंस्ड स्क्वाड का थोड़ा सा डगमाया जरूर है, बट ओवरऑल जो पावर है, फायर पावर है फॉरवर्ड में, मिडफील्ड में, वो बहुत अच्छी है। वीकनेस की बात करेंगे, आई थिंक थोड़ा मैं नाखुश हूँ, देर इज़ अनबैलेंस बिटवीन फॉरेन प्लेयर्स। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक दे कुड हैव साइन सेंटर बैक इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम लाइक संताना, मे बी लोबेरा उनको ऐसे सेंटर बैक ट्राई करेंगे, आई एम नॉट श्योर, मे बी एम जो को ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे अनबैलेंस है, अननोन प्लेयर है सीवाई गुडयार्ड, उनके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते इस टाइम पे। मैंने बोला जैसे वो फ्लॉप भी साबित हो सकते हैं, वो सरप्राइज़ भी साबित हो सकते हैं, जिस तरह का उनका प्रोफाइल अभी तक है, जितनी कम डिटेल्स हमारे पास है उनके बारे में, क्योंकि जितने स्काउटिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनमें ज़्यादा नहीं है उनके बारे में, तो वो एक या तो क्लब ने या मैनेजर ने बहुत अच्छी स्काउटिंग की हो उसके बाद, तो वो थोड़ी सी इनकी मुझे बैलेंस जो लगता है फॉरेन प्लेयर्स के बीच में वो नहीं है। अगेन दो फॉरेन स्ट्राइकर्स आप कह सकते हो कि अच्छे हैं, बट अगेन जिस तरह की फॉर्मेशन लोबेरा खेलते हैं 4-2-3-1, वो भी कह सकते हो एक्सेसिव हो सकता है किसी किसी केस में। तो उनको मेक श्योर करना है, उनको बैलेंस क्रिएट करना है दोनों को यूज़ करते हुए, लोबेरा ने जब भी उगबेचे या एडम ली फाउंड्री को क्रिएट करें, उनके पास दो इंडियन फॉरवर्ड्स भी हैं, तो वो एक उनको मैनेज ऑन करना है। बट आई थिंक जो अगर बैलेंस कवर कर पाए, जो बस एक कम फॉरेन सेंटर बैक है, आई थिंक इंडियन प्लेयर भी ज़्यादा नहीं है जो सेंटर बैक खेल सकते हैं, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको फुलफिल कर पाएँ। उसके अलावा बात कर लेते हैं अनकैप प्लेयर के बारे में, आई थिंक एक मोहम्मद आसिफ जो उनके अकेडमिक ग्रेजुएट हैं, काफ़ी हाईली रेटेड हैं उनके क्लब के अंदर, मुंबई सिटी मैनेजमेंट के जो उनके कोचेज़ हैं एंड जिन्होंने उनको खेलते हुए देखा है, तो ही इज़ माई अनकैप प्लेयर टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट सीज़न फॉर मुंबई सिटी FC। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपकी कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।